हाय गाइस, कुछ दिन पहले मैंने आपको MI सॉप डिस्पेंसर का रिव्यू डाला था और अनबॉक्सिंग। उसने काम करना बंद कर दिया है भाई, तो अब इसको ऊपर से खोलना बहुत ही मुश्किल है बिना स्क्रैच लगाए। तो मैंने एक नया तरीका खोजा है, इसकी बैटरी को रिमूव करके पीछे एक होल करना है। मैं आपको दिखाऊंगा एक होल, वहाँ आसानी से बिना स्क्रैच लगाए इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखो होल है बैटरी के पास, इसमें एक स्क्रू ड्राइवर डालिए और पुश कर देना है, ज़ोर से करना है क्योंकि मैंने पहले ही ओपन किया हुआ है। ये ओपन हो जाएगा बिना स्क्रैच लगाए किसी भी तरह से। ये एक सर्किट बोर्ड है, इसमें सिंगल PCB है, इसमें एक ही स्क्रू है जिसको ओपन करना है, राइट। अब इसको अच्छी तरह से देखने के बाद मैंने देखा कि ये इसमें कहीं से लिक्विड चला गया, कैसे गया समझ नहीं आ रहा। तो हम इसको रिमूव करेंगे। दो कनेक्टर हैं इस पे, एक जो मोटर से कनेक्ट है, दूसरा बैटरी से कनेक्टेड है। इनको रिमूव करते हैं। ये अभी सर्किट आ गया हाथ में, और ये जो कनेक्टर हैं उसके अलावा सेंसर्स ऑन बोर्ड हैं PCB पर, टच पैनल भी ऑन बोर्ड हैं। ये है प्रॉब्लम मेन, जहाँ से ये सर्किट पर जंग सा लगा हुआ है। चलो इसको हम रिमूव करते हैं। पहले मोटर को रिमूव करते हैं। चार स्क्रू लगे हुए हैं मोटर पर जिनको हटाना है। और ये भाई मोटर आ गई है, ये एक मोटर है, उसके साथ पंप लगा हुआ है और इसका इन आउट असेंबल्ड, एक असेंबली है कम्प्लीट। ये इसको रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर बंद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सर्किट है भाई सिंगल कम्प्लीट, टच पैनल। और ये इसको एक एसीटोन होता है केमिकल, जिसको हम इससे क्लीन करेंगे। PCB को क्लीन करने के लिए बेस्ट केमिकल होता है ये। अगर आपके पास नहीं है तो आप पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हो या मशीन ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, और दोनों साइड स्प्रे मारने के बाद आपको ब्रश से साफ करना है। चलो असेंबल करते हैं वापस मोटर को। हाँ, ये ध्यान रखना है कि ये पाइप अंदर फिट होना चाहिए। ओके, फिट हो गया। देखो प्रेस करना है अच्छी तरह से। सभी स्क्रू वापस लगाने हैं। ओके, मैंने बैटरी असेंबली को भी खोल दिया था पूरा, उसको भी वापस फिट करना है। इस पर भी दो स्क्रू होते हैं, वो लगाने हैं। एक पाइप और दिखेगा आपको, वो उसको कुछ नहीं करना है। वो पाइप एयर इनटेक के लिए है बोतल में, उसको कुछ नहीं करना है। ओके, लग गए स्क्रू। PCB अटैच कर दिया है।
करते हैं टेस्टिस को। तो भाई ये सेल डालते हैं इसमें चारों। जब इसमें लिक्विड गया था तो एक सेल तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, तो मैंने रिप्लेस किया है कुछ। कैप ऑफ करते हैं इसकी। लो भी ऑन हो गया है, एक बार ऑफ करके देखते हैं। ऑफ हो गया है, फिर से ऑन। नाउ इट्स वर्किंग परफेक्टली। चलो उसको टेस्ट भी कर लेते हैं, मोटर को भी। यस वर्किंग वर्किंग। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। जब इस कैप को हम बंद करते हैं तो टच सेंसर काम करना बंद कर देता है, और यूट्यूबर ने बताया कि ये वर्क नहीं करता, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है। देखो नहीं कर रहा काम ये, नॉट। इसका एक सॉल्यूशन है सिंपल सा, आपको इसको एक बार रीसेट करना है। बैटरीज को बाहर निकाल दो, फिर से डाल दो, ये काम करना शुरू कर देते हैं। ये देखो मैंने रीसेट कर दिया, ऑन और अब ऑफ। तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया है प्रॉब्लम इसकी। थैंक्स टू वॉचिंग गाइस, इट्स वर्किंग परफेक्टली।